और वी हैव अ गेस्ट एंड मस्त। हम क्या बना रहे हैं फिलहाल? क्या बना रहे? बना दिया। Hey guys, welcome back to my channel. So this is Harsh Gupta over here and you guys are watching my channel. So today I will just show the apartment where I am staying. I used to stay with two people more. So the fourth person will coming soon. So here's the apartment, here's the kitchen where I am standing over here. Hey guys, so this is the kitchen over here and we have brought many masalas from India. भाई मसाला लेके आओ, मसाला बहुत महंगा है, 7 गुना एक्स्ट्रा पे, मतलब 20 रुपये का मसाला आपको 7 गुना एक्स्ट्रा पे करने का पड़ेगा, 150-160 का आपको मिलेगा। मैंने मैगी मसाला लेके आया है, रेड चिली पाउडर एंड घी शुगर, सो देर आर लॉट्स ऑफ मसालास, थैंक्स टू माई मॉम एंड थैंक्स टू द अदर्स फैमिली। और ये एग है, काफ़ी सस्ता है एज कम्पेयर टू इंडियन प्राइस, सो यू कैन बाई इट फ्रॉम ऑशन, इट्स वेरी चीप। And these are the utensils. So this were given by the owner, and this we brought from the DMart. So it's quite good. So this is the place where we can chop vegetables and keep our utensils. So this is the gas stove, microwave, and this is the water heater. We usually make a black coffee. And this is the view from my kitchen. As you can see, and this is a dining table. भाई एक चीज़ बता दूँ, यहाँ के ओनर कितने अच्छे हैं, उन्होंने लिटरली हमें 2 चेयर हमने डिमांड किया, उन्होंने 4 चेयर ला के दिया, और जो बहुत अच्छी बात है, पहले से 2 चेयर थे पर उन्होंने और 4 चेयर ला के दिया। और ये हमारा फिश फ्रिज, तो फ्रिज आप देख सकते हो, बेसिक ग्रोसरीज हमने ला के रख दिया फिलहाल, क्योंकि अभी फोर्थ पर्सन आएगा तो प्रॉपर उसके हिसाब से भी शॉपिंग करने जाएंगे। एंड यहाँ पे हमने चिकन रखा है जो हमें काफ़ी पसंद है, तो हमने इसको एस यहाँ पे आलू कांदा चावल रखा हुआ है, अभी तक फिलहाल ये सब खाली है। तो ओवरऑल ये किचन है एंड यहाँ पे है बाथरूम। इसको सॉर्ट ऑफ आप एक हॉल बोल सकते हो, यहाँ के लोग आई डोंट नो यहाँ का क्या था आर्किटेक्चर है, ये लोग 1 BHK को भी टू BHK काउंट करते हैं। तो ये है वार्डरोब जिसमें हमने जैकेट्स टांगे हुए हैं, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ये भी चिपकाया जिससे हम एक्स्ट्रा जैकेट टांग सकते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली जैकेट की बहुत ज़रूरत है। तो ये वॉशरूम है, छोटो सा एंड क्यूट, एंड दिस इज द प्लेस वेर यू कैन बाथ एंड वॉश बेसिन, काफी मस्त है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम, ये स्टडी टेबल हो गया, ये एक्चुअली किचन में था पर हमने इसको बेडरूम में शिफ्ट कर दिया क्योंकि वार्डरोब स्पेस हो जाएगा। एक था ये वन साइड एक पर्सन यूज़ करेगा, सेकेंड साइड दूसरा पर्सन यूज़ करेगा, ये बड़ा बेड है, यहाँ पे 2 लोग सो सकते हैं, और वहाँ पे हीटर है, एंड दिस इज़ द विंडो। यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, सो दिस इज़ द हॉल जहाँ पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे ये एक्चुअली डबल बेड हो जाता है तो यहाँ पर हम 2 जन सोएंगे, फिलहाल के लिए मैं अकेले सो रहा हूँ। ये पेंटिंग है जो मुझे यहाँ पे मिली, मतलब पहले से रखा हुआ था पर मैंने उसको वापस वहाँ पे हैंग किया, एंड दिस इज़ अ पेंटिंग, एक्चुअल पेंटिंग जो मुझे मेरी मैम ने दिया, सर्वरी मैम। सो उन्होंने काफ़ी चीज़ लिखा है, विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सर्वरी मैम टू हर्ष, माई डियर स्टूडेंट, मे गॉड ब्लेस यू विथ इमेंस सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, रयान। रयान उनके सन का नाम है, तो उन्होंने रयान से लिखवाया कि तुम अपना नाम लिखो, काफ़ी अच्छा था वो। और ये स्पेस है जो फर्स्ट स्पेस मैंने लिया हुआ है, ऑब्वियसली एक व्लॉगर और एक टेक्निकल बंदा के पास बहुत सारे चीज़ होंगे, वो मुकेश का है जो रूम पार्टनर है। तो उन्होंने छोटा सा टेम्पल रखा है यहाँ पे, मंदिर,
ये हार्दिक लेके आया एंड ये मुझे मेरी फ्रेंड ने भारती ने दिया है गणपति एंड दिस स्मॉल वन गिवन बाय निखत. थैंक यू निखत. एंड दिस इज अ प्लेस एंड दिस इज अ सेकेंड वार्डरोब जहाँ पे वन साइड में मेरा सामान है और सेकेंड साइड में मुकेश का सामान है. फिर ये बालकनी है. मस्त सा व्यू. काफ़ी अच्छा है यहाँ पे. प्लेजेंट हवा और थोड़ी ठंडी आ जाती है पर अब ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे रह नहीं सकते हो ऐसे कपड़े में फिलहाल. बट ठीक है, दोपहर को थोड़ा खड़े रह सकते हो, अच्छा कोल्ड ब्रीज ले सकते हो. यहाँ के घर का एक बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे काफ़ी गर्म फील होता है, मतलब घर के अंदर आपको काफ़ी गर्म फील होगा. बाकी रूममेट्स है वो भी फिलहाल एस्कॉन टेम्पल गए हैं. मैं यहाँ पे रुका हूँ दो तीन रीज़न की वजह से. मुझे डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाने का है एंड डेबिट कार्ड्स जो मैंने पहले वाला फ्रेंड के घर पे रह रहा था श्रेयस के, वहाँ से मैं पिकअप करने का है एंड काफ़ी चीज़ है. अभी फिलहाल अक्सा आ रही है, लेट्स सी वो आती है तो मैं आपको यहाँ पे गोडाउन दिखाऊंगा. आई डोंट नो उसको कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं पर सॉर्ट ऑफ है जगह जहाँ पे हमें की से ओपन करना है. बट मैं अकेले आना नहीं प्रीफर करूँगा, थोड़ा स्केरी लगता है वो. तो अक्सा आ जाए तो अक्सा के साथ जाके आपको दिखा दूंगा कैसा है वो स्पेस. और वी हैव अ गेस्ट एंड मस्त. हम क्या बना रहे हैं फिलहाल? क्या बना दिया? I don't know, vegetable पुलाव kind of बन गया, जो भी बन गया है. नहीं वो एक्चुअली हम वेज नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें अंडा भी गया है. नहीं यहाँ के हिसाब से अंडा वेज है. यहाँ के इंडिया के हिसाब से भी, क्योंकि इंडिया के वेजिटेरियंस भी अंडा खाते हैं, फिर भी बोलते हाँ, हम वेजिटेरियन हैं. हमारा स्टडी हार्ड, यू कैन डू इट, यू रॉक. डोंट बी अफ्रेड व्हेन यू आर अलोन, थिंक पॉजिटिव, जर्नी ऑफ हर्ज, यू आर हैंडसम एंड यू नो इट. बाय साक्षी गुप्ता. एंड थैंक यू शाम्या फॉर दिस. ओके तो यहाँ पे हम लोग गोडाउन के यहाँ पे आ गए. लेट्स सी अक्सा का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि मैंने तो देखा है, अक्सा ने नहीं देखा है. क्या है? रिकॉर्ड बना. अच्छा ये है क्या? सबके पास चल रही थी इसकी. ये वाला हम लोग का है. अच्छा तो इधर तुम लोग अपना स्टोरेज रख सकते हो. हाँ सामान रखा है मैं काफी चीज. बट यहाँ पे अगर कोई हॉरर गेम खेलना जो ना आराम से खेल सकते हो. मोबाइल का फ्लैश ऑन करो. मोबाइल का फ्लैश अपने मोबाइल का. अच्छा मैंने मोबाइल का नेट पकड़ा है तुम्हारा. ये देखो. ओह माय गॉड, लाइक लिटरली हॉरर मूवी टाइप है. ऊपर से कोई भूत-भूत दिख रहा तो नहीं, देखो प्रॉपर पर मकड़ी के जाले. बट इधर नहीं नहीं, ये तो मेरे मोबाइल का फ्लैश मिला सर रहता बाहर की ना धूप. नहीं प्रॉपर में ऐसा जगह है इसको यहाँ पे लिटरली बताओ. चलो मैं बाहर निकल जाता हूँ. Coming to the apartment rent, it's 3,050 zloty, including utilities. It means that the utilities is something around 200 zloty. So the deposit is 3,000. So overall, if you calculate in Indian rupees, so something around 60,000 pakad ke chalo. So yeah, this is the actual price over here. And akela insaan to nahi afford kar payega. At least 4 log chahiye. This is the per person mein something around 14,000 to 50,000 hoga. इससे सस्ते भी मिलते हैं अपार्टमेंट, इससे महंगे ही मिलते हैं. ये अपार्टमेंट का बेस्ट पार्ट क्या है, वॉकेबल डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन है, बस स्टॉप दाजू में ही है और कॉलेज सबसे बड़ी बात वॉकेबल डिस्टेंस है. तो इनकेस हमारा जॉब अगर दूर भी लगता है तो हम एटलीस्ट कॉलेज नज़दीक है तो जा सकते हैं. अभी फिलहाल ऑनलाइन है तो लेट्स सी, जरूरत तो इतना है नहीं बट फिर भी.